प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स। राजस्थान की जानी मानी शख्सियतों में से एक साहबजादा कैप्टन शमशेर खान की पुस्तक परम संतुष्टि का विमोचन टोंक की सरजमी पर एडमिरल माधवेंद्र सिंह पूर्व नौसेना अध्यक्ष ने टोंक में किया। इस अवसर पर एडीजी अशोक राठौड़, वेद व्यास, सतीश जैकब सहित कई हस्तियां टोंक पहुंची, पुराने जमाने के दिनों को याद किया, किताब के लेखन पर प्रकाश डाला और बचपन से लेकर युवावस्था और युद्ध के मैदानों की अनुभव को लेकर सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखते हुए कैप्टन शमशेर को एक जिंदा दिल इंसान और एक शानदार शख्सियत बताया और कहा कि पुस्तक लिखने का उनका जो समय था वो भले ही लेट हुआ हो, लेकिन ये एक शानदार पुस्तक है और हम सब ने हमेशा उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया है कि वो अपने जो उनका शानदार अनुभव रहा है लेखन को लेकर उसको एक पुस्तक का रूप दिया जाए। अब चूँकि परम संतुष्टि सबके सामने हैं तो ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द उनकी अन्य पुस्तकें भी सामने आएगी। सिंह जी मेरे ग्रैंडफादर हैं और भगवती सिंह जी मेरे फादर हैं, तो शमशेर खान साहब ये लिखते हैं मुझे, एंड दिस इज व्हाट आई रिसीव्ड आफ्टर आई टुक ओवर। देवी सिंह रो पोत्र व भगवती सिंह रो पूत, माधवेंद्र सिंह एडमिरल कुशल वीर मजबूत। माधवेंद्र ग्रहण कियो नौसेना रो ताज, पासिंदो मरु देश रो करे समुद्र पे राज। जल पक्षी होरा करें गाये माधव राग, मौजे उठे तरंग में नाचे धोले झाग। धरती से सागर कहे जागे हमरे भाग, माधवेंद्र ने थाम ली नौसेना की बाग। किताब को मैंने सीरियसली पढ़ा नहीं है, इसको पढ़ने के लिए मुझे एक ट्यूटर रखना पड़ेगा और आज ही मैंने एक ट्यूटर से यहाँ बात की है, क्योंकि ये दोहे हैं और ये दोहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत भाषा में, हिंदी में नहीं है ये, भोजपुरी आपके फैजाबाद में कौन सी होती थी अवधि ब्रिज भाषा भोजपुरी, उसका ये मिक्सचर है और इस मिक्सचर से ही उर्दू जुबान पैदा हुई थी। ये फैक्ट है, उर्दू जुबान इन से ही, और उसके अंदर पर्शियन और अरबिक भी थी क्योंकि बाहर से लोग आए थे, वो जुबान साथ लाए थे, तो उर्दू लोग कहते हैं कि उर्दू इज द मोस्ट परफेक्ट, लेकिन मैं उसको नहीं मानता, इसलिए कि मुझे तो उर्दू मेरी जुबान है लेकिन मैंने संस्कृत पढ़ी नहीं है, तो आई कांट चैलेंज संस्कृत, मे बी संस्कृत इज मोर सुपीरियर, बट संस्कृत इज अ लैंग्वेज विद वेरी फ्यू इंडियन अंडरस्टैंड, वेरी फ्यू, ओनली दोज हु आर इन मंदिर देन दे अंडरस्टैंड संस्कृत, ऑर्डिनरी पीपल डोंट। लेकिन शमशेर ने ये जब किताब लिखी और मुझे कहा कि यार तुम्हें आना है, ये मेरी किताब है, तो मैंने सोचा कि वाकई इन्होंने कोई गजल के कुछ गजल क्या हुई, कहते नहीं यार गजल नहीं है ये हिंदी दोहे हैं, तो मैंने कहा तुम हिंदी दोहे के लिए मुझे क्यों बुला रहा है, कह रहे इसलिए बुला रहा हूँ तो मेरा बहुत पुराना दोस्त है, तो मैं यहाँ इनकी हौसला अफजाई के लिए आया हूँ। जैसे वेद व्यास जी ने कितने मुझे आश्चर्य हुआ कि ये सैनिक हैं, दवा खानदान से हैं और इनकी संस्कृति का एक अपना अलग मिजाज है, तो मैंने कहा मैं एक साधारण आदमी का साहित्यकार हूँ, उसकी पैरवी करने वाला हूँ, तो ये मुझे इन्होंने कहाँ से ढूंढ लिया, तो इन्होंने मुझे बताया कि आपकी सोच और समझ और आपकी बेबाकी मुझे यहाँ तक लाई है। मैंने इसको पढ़ा, मित्रों कुछ बातें समझने की है, मैंने जैसा समझा उसी तरह
एक सैनिक के रूप में जीवन बिताया और एक संत के रूप में अपने जीवन का समापन करने के लिए जो आदमी कुछ लिख रहा है तो बहुत महत्वपूर्ण। तो इनके जीवन की यात्रा सैनिक से संत बनने की है। मैं इसलिए इनका आदर भी करता हूँ, इनको प्रणाम भी करता हूँ। और इन्होंने जो परम संतुष्टि नाम से पुस्तक लिखी है, अटमोस्ट सेटिस्फेक्शन आदमी को कब होता है? जब वो सारी दुनिया से वितराग हो जाता है, संसार के सारे चक्रव्यूह से मुक्त हो जाता है, पद पैसा प्रचार लोभ लालच काम क्रोध मद माया से सब मुक्त हो जाता है, तब आदमी परम संतुष्टि की अनुभूति करता है। इस मुकाम पे अगर ये इस तरह की जो इन्होंने बुक लिखी है तो मैं ये समझता हूँ कि किसी व्यक्ति का अगर समग्र ज्ञान हो समाज के विभिन्न पक्षों के बारे में पहलुओं के बारे में वही इस तरह का साहस कर सकता है। इनफैक्ट जब भी हम कोई किताब भी पढ़ते हैं तो उस लेखक के बारे में कुछ पन्ने पढ़ने पे ही हमें पता लग जाता है कि उसका नॉलेज बेस कितना है। रिसेंटली मैंने एक किताब पढ़ी थी द सेपियंस, तो जैसे जैसे उस किताब को पढ़ते चले जाते हैं तो ये प्रतीत होता है कि एक व्यक्ति जिसने अगर कोई इस तरह का अटेम्प्ट किया है तो उसने इस विषय या उसको लिखने के पीछे कितना उसका रिसर्च करता होगा। लेकिन यहाँ एक ऐसी शख्सियत है जो जिनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है समाज के अलग अलग विषयों के बारे में, तो मैं तो ये कहूँगा कि ये इन्होंने जो लिखा है तो ये वाकई एक हम सभी के लिए सुखद अनुभूति है और इसके लिए आपको हमारी ओर से साधुवाद। क्यों लिखी ये तो उसका तो मालूम नहीं क्यों लिखी, लेकिन लिखी और इसमें जो भी सोचा, बचपन से शौक था संगीत का, म्यूजिक का और कव्वालियाँ वगैरह का, राजस्थानी लोकगीत का और किसी भी संगीतज्ञ को कव्वालों को गाने वालों को जब भी सुना तो उसमें कहीं ना कहीं दोहे जरूर सुने, तो दोहों से कुछ स्पेशल खास था, मोहब्बत हो गई, प्रेम हो गया, तो बहुत अट्रैक्ट किया दोहों ने। तो शुरू में तो उर्दू में शायरी की जो कि हमारा मेन वो है, लेकिन उसके बाद जब दोहे सुने और लोकगीत सुने और संगीत सुना तो उसमें लिखना चाहा, लेकिन उसके लिए पोइट्री अपने निजी तरीके से थोड़ी संस्कृत ब्रिज राजस्थानी सब देखी और फिर दोहे लिखना शुरू किए और दोस्तों को सुनाते थे आपस में, वैसे तफरी शौकियाँ लिखना शुरू किया तो दोस्त थोड़ी बहुत तारीफ करते थे, अच्छा लगता था, लेकिन उसके बाद भी और लोगों ने सुना तो कहने लगे आप इसे छपवाइए। बहुत से लोग बहुत से दोस्त इसे तो ये सोचते थे कि भाई इसमें क्या पता नहीं क्या है, क्यों छपवाए, क्या करना है इसका, लेकिन थोड़ा बहुत कलाम इकट्ठा हो गया हिंदी का, सोचा उसे छपा तो मैं बहुत करीबी दोस्तों ने और मित्रों ने इस बात का जोर दिया तो ये किताब सिर्फ उस वजह से आज आपके सामने। सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को कि खबरों के लिए बने रहें।